बाजार हर रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। लगातार तीसरे दिन बाजार ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक चढ़कर 12,750 के बेहद करीब पहुंच गया है। सेंसेक्स में 316 अंकों की तेजी रही। बाजार को मजबूती देने वालों में हिंडाल्को, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज और आईटीसी का बड़ा हाथ रहा। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन और एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में अच्छी खासी गिरावट रही। रिलायंस 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। वहीं आज भी बाजार में बैंकिंग शेयरों का दबदबा रहा। आखिरी घंटे में बैंक इंडेक्स 239 अंक चढ़कर 28,845 पर बंद हुए। हालांकि इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक में 3-5% की गिरावट रही, मगर एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा ने मोर्चा संभाला। बैंकों के अलावा फार्मा, मेटल और आईटी शेयरों ने बाजार को मजबूती देने का काम किया। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी MSCI इंडेक्स में बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें कोटक बैंक, L&T इंफोटेक, ACC समेत 12 शेयरों की एंट्री हुई है, जबकि बॉश और LIC हाउसिंग को बाहर किया गया है। MSCI इंडेक्स पर निवेशकों की नजर रहती है। आमतौर पर जो शेयर इसमें शामिल होते हैं उनमें कुछ दिनों तक तेजी दिखती है। आज भी कोटक बैंक 2% और L&T इंफोटेक 2.5% चढ़ा। सरकारी कंपनी NMDC ने बायबैक का भाव तय कर दिया है। कंपनी 105 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बायबैक करेगी। कंपनी ने कुछ दिनों पहले बायबैक का ऐलान किया था। इस बायबैक पर NMDC 1,380 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बायबैक के ऐलान के बावजूद उम्मीद से कमजोर नतीजों के चलते शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। सरकार ने शिपिंग कंपनी SCI के विनिवेश पर काम तेज कर दिया है। हमसे खास बात, सरकार SCI के ऐसे विनिवेश इसी साल कर सकती है। मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी के पास करीब 8,500 करोड़ रुपए के कोर एसेट्स हैं और इसके खरीदार को अच्छी वैल्यू मिलेगी। कंपनी ने कुछ दिन पहले कहा था कि विनिवेश से पहले इसके नॉन कोर एसेट्स को अलग करेगी। सरकार इकोनॉमी में जान डालने की भरपूर कोशिश कर रही है। आज कैबिनेट ने 10 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम में शामिल करने की मंजूरी दी। अगले 5 सालों में इन सेक्टर्स को करीब 1.5 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया जाएगा। इस स्कीम में टेलीकॉम, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, सोलर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स को भी शामिल किया गया है। सरकार का मकसद देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ रोजगार के मौके बढ़ाना है। ग्लैंड फार्मा का IPO किसी तरह पूरा भरने में कामयाब रहा। आज इसका आखिरी दिन था और ये दुगने से कुछ ज्यादा भरकर बंद हुआ। QIB निवेशकों की ओर से कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिला है। इनका हिस्सा करीब 3 गुना भरा है। जी बिजनेस के एडिटर अनिल सिंघवी ने सिर्फ ज्यादा जोखिम लेने वाले और लंबी अवधि के निवेशकों को ही इसमें पैसा लगाने की सलाह दी थी। टिकटॉक भारत में दोबारा एंट्री की तैयारी कर रहा है। सीमा विवाद के बाद जून में भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब कंपनी भारत में फिर से कारोबार शुरू करने के लिए पार्टनर की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए कुछ कंपनियों का नाम फाइनल भी किया है। क्लासिक लेजेंड्स की जावा मोटरसाइकिलों की बिक्री रफ्तार पकड़ रही है। कंपनी ने बताया है कि उसने इस साल 50,000 से ज्यादा बाइक्स की बिक्री की है। कंपनी अब डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। क्लासिक लेजेंड्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा की 60% हिस्सेदारी है। 40% हिस्सा कंपनी के संस्थापक अनुपम थरेजा और रुस्तम जी ग्रुप के बोमन ईरानी के पास है। कंपनी की बाइक्स का मुकाबला रॉयल इनफील्ड की बाइक्स के साथ होता है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और न्यूज कंटेंट देने वाले यानी कंटेंट प्रोवाइडर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत लाए जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है।
इस फैसले से देश में बेतहाशा बढ़ रहे ऑनलाइन खबरों के पोर्टल पर लगाम लगेगी, साथ ही गलत सूचनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर खुद के रेगुलेशन की मांग वाली याचिका को लेकर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी भेजा था।